मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदुओं का महामार्च। मुंबई की सड़कों पर हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे बड़ा हिंदू जनाक्रोश रैली आज निकाली गई है। मुंबई में लव जिहाद, लैंड जिहाद सहित हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर रविवार को मुंबई की सड़कों पर हिंदू संगठनों की ओर से विराट हिंदू जनाक्रोश मोर्चा आयोजन किया गया था। इस आयोजन ने पूरे महाराष्ट्र से 1 लाख से भी ज्यादा हिंदू समाज के लोगों को एक साथ लाने की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 10 बजे से मुंबई के शिवाजी पार्क पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और फिर शिवाजी पार्क से परेल स्थित कामगार मैदान तक पैदल मार्च निकाला गया। बीजेपी के कुछ नेता साधु संत इस मोर्चे में शामिल हुए। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाए गए इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से 40 से भी ज्यादा हिंदू जनाक्रोश मोर्चे निकाले जा चुके हैं, लेकिन आज का मोर्चा अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा माना जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद आणि धर्मांतरण या 3 मुद्द्यावरती लवकरात लवकर तुम्ही कायदा पारित केला पाहिजे, हेच आमचा उद्देश आहे। आणि हा एकमेव उद्देश घेऊन सकल हिंदू समाज आज रस्त्यावरती उतरला आहे आणि ती मागणी पूर्ण करणारच, करून घेणारच आहोत। कारण की आमचे हिंदू मुली आज धर्मांतरण केल्या जात आहेत। फक्त अब्दुल सारखा एक मुलगा येतो, कॉलेजच्या धर्मांतरणमध्ये जातो, मुलीला आपला धर्म न सांगता धर्म लपवून तिच्या संगती लव जियासारखं प्रकरण करतो। आज ही नवीन गोष्ट नाही आहे। अब्दुलनी दिल्लीमध्ये ज्या मुलीचे 35 तुकडे केले, ते तुकडे केल्यानंतर या देशाला जागृती आली असं नाही। या अगोदर सुद्धा, या आधी सुद्धा अत्यंत किती किती मुली केरळ, महाराष्ट्र इथून या लव जिहादच्या माध्यमातून कन्वर्ट झाल्या, कन्वर्ट होऊन ISI मध्ये भरती झाल्या। हा डेटा सरकारपर्यंत आहे, पण सरकार यावरती काही पावलं उचलत नाही। म्हणून आज आम्हाला ह्या रस्त्यावरती उतरावं लागलं आहे आणि ह्या धर्मासाठी एकजूट बांधून